हेलो दोस्तों, आज हम ओला कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं और क्या क्या फीचर्स है, क्या प्राइस रहने वाली है, रेंज सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें कितने मॉडल आते हैं, क्या प्राइस रहेगी, इसको अपन, ये बुकलेट है दो, इनसे जानेंगे। तो इसमें दो बुकलेट दे रखी है, एक ये वाली है और एक ये है। तो इसमें देखते हैं अपन, ये सेकंड जनरेशन के बारे में ही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी है इन्होंने पहले। ये ओला S1 प्रो के बारे में है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं अब इनमें क्या क्या फीचर्स है और कौन कौन से मॉडल अभी अवेलेबल है। तो ये थोड़ा पुराना वाला है बुकलेट, तो इसमें 4 किलोवाट वाला भी आता है एक ऑप्शन, वो नहीं दे रखा है। तो मैं आपको इस बुकलेट में दिखाता हूँ वो एक बार। तो इसमें चार मॉडल है, S1 Pro, S1 Air, S1 X Plus और S1X। तो S1X में भी तीन मॉडल आते हैं, जैसे बैटरी का फ़र्क है बस इनमें, 4 किलोवाट की बैटरी, 3 किलोवाट और 2 किलोवाट आवर है। ये यूनिट होता है ना, जैसे अपन बिजली का देखते हैं 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो वैसे है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। S1 Pro है जो इसका ये टॉप मॉडल है और सबसे महंगा भी है ये। तो इसमें 4 किलोवाट आवर की बैटरी आती है 4 यूनिट की। तो इसमें सर्टिफाइड रेंज जो बता रखी है 195 है, ये कंपनी क्लेम करती है, ओरिजिनल रेंज नहीं है ये, और ये सभी क्लेम्ड रेंज है, सर्टिफाइड रेंज। तो इसकी 195, इसकी 151, इसकी भी 151, और इसकी 4 किलोवाट आवर बैटरी में 190 किलोमीटर, 3 किलोवाट आवर बैटरी में 143 किलोमीटर और 2 किलोवाट आवर बैटरी में 95 किलोमीटर। लेकिन ये रियल वर्ल्ड की रेंज नहीं है। रियल वर्ल्ड की रेंज की अगर बात करें तो इनमें अलग अलग मोड आते हैं। तो अगर नॉर्मल मोड की बात करें या इको मोड की बात करें, इको में सबसे ज़्यादा रेंज देती है, तो इसमें लगभग 140-150 किलोमीटर के लगभग रेंज आती है। तो ये 195 नहीं है, आप ऐसा समझो कि 195 दे देगी आपको एक्चुअल, ये 150 के अराउंड आएगी। और इसमें मान सकते हो आप 110 या 100, और इसमें भी 100 से थोड़ा ज़्यादा देती है, और इसमें वही 150 के अराउंड, और इनमें वैसे ही। तो और इनमें टॉप स्पीड की बात करें तो S1 Pro जो इसका टॉप मॉडल है, इसमें 120 की टॉप स्पीड आती है, इसमें 90 की टॉप स्पीड है, इसमें भी 90 की, इनमें 90, 90 और 2 किलोवाट आवर वाले में 85 की टॉप स्पीड है। अब इनमें मोटर का फ़र्क है, तो इनमें पावर का भी अंतर है। तो इनमें एक्सीलरेशन देखते हैं, जो 0 से 40 की स्पीड जाती है उसका टाइम बता रखा है यहाँ पे। तो S1 Pro का बहुत फास्ट है, 2.6 सेकेंड, मतलब 2.6 सेकेंड में आपको 0 से 40 की स्पीड चली जाएगी। ये S1 Air में 3.3 सेकेंड, इसमें भी 3.3, इनका आप देख ही सकते हैं 2 किलोवाट आवर में 4.1 सेकेंड। और इनका पावर की बात करें कि मोटर कितना पावर है, पीक पावर, हाईएस्ट पावर है जो इसमें 11 किलोवाट, इनमें 6 किलोवाट, 6 किलोवाट और 6 किलोवाट, मतलब इनमें 6 किलोवाट का है और इनमें 11 किलोवाट का है। बैटरी की मैंने आपको बता दिया, इसमें 4 किलोवाट आवर की है, इनमें तीन तीन, और इनमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है। अब चार्जिंग टाइम में भी इसमें डिफरेंस है सब में, क्योंकि चार्जर अलग अलग आते हैं। S1 Pro है जो इसमें 6.5 घंटे बताती है कंपनी की, इतने में फुल चार्ज होता है ये। तो 6.5 घंटे, इसमें 5 घंटे, इसमें 7.4, इसमें 6.5, 7.4 और 5 घंटे। इनमें चार्जर का डिफरेंस ऐसे है, इनमें आपको 500 वाट के चार्जर मिलते हैं, और जो S1 Pro है इनमें 750 वाट का चार्जर मिलता है, इनमें 500 वाट, इनमें 500 वाट। और इसमें जो 4 किलोवाट आवर वाला है, इसका टाइम कम दे रखा है, तो इसका 750 वाट का चार्जर है। अब इनके अगर मोड्स की बात करें कि कौन कौन से में क्या क्या मोड आते हैं, तो ये देख लो आप, इसमें आता है हाइपर, स्पोर्ट्स, नॉर्मल और इको। और इनमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स तीनों में सेम है। तो केवल आपको हाइपर मोड S1 Pro में देखने को मिलेगा, जो सबसे फास्ट मोड होता है और एक्सीलरेशन काफ़ी तेज़ होता है उसमें। अब बात आती है स्क्रीन की। तो स्क्रीन में आप देखोगे तो यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है S1 Air और S1 Pro दोनों में, और इनमें आपको नॉर्मल LCD स्क्रीन मिलती है। उनमें भी साइज़ का डिफरेंस है, S1 X Plus में थोड़ी बड़ी होती है और इनमें छोटी होती है। और
इनके फीचर्स की बात करें, जो मूव ओएस फीचर्स आते हैं बहुत सारे, उनमें S1 प्रो में आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे, और इनमें कुछ लिमिटेड फीचर्स है, लेकिन क्रूज कंट्रोल वगैरह सभी में आपको देखने को मिलेगा। और डिजिटल की अवेलेबल रहेगी इन तीनों में, और S1X में फिजिकल की का ऑप्शन मिलता है आपको। अब डिजिटल की के डिसएडवांटेज ये है, आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करोगे क्योंकि चाबी नहीं रहेगी, तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर आप ऐप से कर सकते हो अनलॉक, लॉक अनलॉक, और भी काफ़ी फीचर्स होते हैं। और कलर S1 प्रो में आपको लिमिटेड 5 कलर ऑप्शंस होते हैं, और बाकी में आप ज़्यादा है इनके ऑप्शन तो। और फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन सब बता रखा है इसमें, तो फ्रंट तो सेम देखने को मिलेगा, रियर में S1 प्रो में मोनोशॉक दिखता है आपको, और इनमें ड्यूअल शॉक रहता है, तो मोनोशॉक सस्पेंशन केवल S1 प्रो में देखने को मिलेगा। बस यही थी कुछ बातें, और आप ओला के एक्सपीरियंस सेंटर पे जाके विज़िट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और अगर इनका डिलीवरी टाइम की बात करें, तो ओला के एक्सपीरियंस सेंटर वाले 7 डेज़ टू 10 डेज़ बताते हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। बस यही था कुछ, और प्राइस आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तो आप देख सकते हो आपको कौन सा पसंद आता है। अब अपन अगर रेंज की बात करें, तो ये देखो S1 प्रो की रेंज लिख रखी है यहाँ पे, तो आप देख लेना, ये स्पीड रहेगी इस मोड में, और ये रेंज रहेगी, तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर। इको में 45 लिख रखी है, 42 के अराउंड जाती है, तो और नॉर्मल में 80 की स्पीड रहेगी मैक्सिमम, स्पोर्ट्स में 95, हाइपर में 120। तो ये S1 प्रो की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो रेंज की बात करें, तो इको में जो एक्सपीरियंस सेंटर पे बताते हैं, और मैंने और कहीं भी देखा है, तो लगभग 150 की रेंज आपको मिल सकती है, और नॉर्मल मोड में 120, स्पोर्ट्स में 100, हाइपर में 80 की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये रेंज के बारे में आपको मैं एक ख़ास बात बता दूं, ये 1% के साथ है रेंज, मतलब जब एक बैठ के चलता है तो वज़न कम होता है, तो ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप ज़्यादा वज़न करोगे, जैसे 2 पर्सन बैठोगे, तो उस हिसाब से रेंज कम हो जाएगी, ये 150 की, हो सकता है 135 आ जाए, तो इससे रेंज कम होती जाती है। तो मैं आपको बोलूँगा, आप 4 kWh वाली बैटरी वाला ही आप ऑप्शन चूज करना, तो उसमें आपको दो ही मॉडल देखने को मिलेंगे, एक तो S1 प्रो और एक S1X 4 kWh वाला। तो आप, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप या तो S1 प्रो लीजिए, या S1X 4 kWh लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, सारे फीचर्स देखे, सारे मॉडल देखे, तो अब लास्ट में अपन बात करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो आप देखो, मेरा मानना तो यही है कि आप अगर अच्छा प्रोडक्ट देखना चाहते हो, तो S1 प्रो ही लो, इसमें प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फीचर्स काफ़ी है। और इसमें देखो, इन सब मॉडल्स से क्या क्या अंतर है इसमें, वो बता देता हूँ आपको। इसमें एक तो आपको हाइपर मोड देखने को मिलेगा, जो इन किसी भी मॉडल में नहीं है। दूसरा, इसकी जो मोटर है, मोटर में जैसे आपने पावर का अंतर तो देख ही लिया, और मोटर में वैसे भी अंतर है कि इन तीनों में, है ना, जो हब माउंटेड मोटर आती है, वो आपने देखा होगा टायर के अंदर ही रहती है, और इसमें ये मिड ड्राइव मोटर आती है, मिड ड्राइव जैसे बेल्ट से चलता है, तो इस मोटर की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। तो अगर आप ले सको, तो मैं इसी के लिए कहूँगा, और इसमें हाइपर चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये मॉडल सही रहेगा आपके लिए। और अगर आप, फिर प्राइस का थोड़ा इश्यू है, तो आप S1X 4 kWh की तरफ जा सकते हो, इसमें आपको फीचर्स देखने को कम मिलेंगे, लेकिन आपको रेंज अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि आपके वही काम आने वाली है फीचर्स। S1 Air, इनमें 3 kWh है, इसमें भी 3 kWh है, तो इसमें फिर रेंज का थोड़ा इश्यू रहता है। जैसे अब रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें, तो फिर कम हो जाती है, 2 पर्सन बैठेंगे तो और कम हो जाएगी, तो फिर बार बार चार्ज लगाओ, एक साथ ज़्यादा लंबी दूरी नहीं जा सकते, तो इसलिए आप 4 kW वाला ही चूज करना। अगर बजट अच्छा है तो S1 प्रो, और लिमिटेड है थोड़ा बजट, तो S1 Max 4 kWh। और फिर आपको देखना है कि नहीं, 3 kWh भी सफिशियंट है आपके लिए, तो आप एयर की बजाय S1X लो, तो थोड़ा ठीक रहेगा इसमें, इसकी प्राइस भी थोड़ी कम है, और नॉर्मल जो डे टू डे चाहिए अपन को, वो रेंज चाहिए, पावर चाहिए, तो वो तो सेम ही है, और S1 Air में भी मोटर वही मिलेगी आपको, इसमें मोटर वही मिलेगी, तो इसमें बस थोड़ा एक तो लुक का अंतर है, जैसे डिज़ाइन थोड़ी चेंज है इसकी, लेकिन आपको S1X अगर ठीक लगे, तो आप ये ही लेना। S1 Air में थोड़ी दिक्कत भी आती है, टच स्क्रीन वगैरह होते हैं, तो इसलिए आप अगर बजट टाइट है थोड़ा, तो S1X लीजिए, और बजट ठीक है, तो S1 प्रो बेझिझक आप ले सकते हैं।
और कई लोग कहेंगे कि सर्विस का इशू आ रहा है, ठीक नहीं हो रही, गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो देखो, हमने भी अभी परचेज़ की है तो हमारे तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं, इसी महीने ली है। तो अगर आपको और कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हो, और आगे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी चली क्या, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है।